लगता है दोस्तों इन दिनों सितारों के सितारे गर्दिश में, तभी तो कई सितारों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बबीता करेक्टर यानी कि मुनमुन दत्ता, उसके बाद रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग चल ही रही थी कि अब इसी बीच ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली युविका चौधरी इन दिनों चर्चा में आ गई। चर्चा में इसलिए क्योंकि उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल उन्होंने किया क्या है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की मांग उठने के बाद उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और माफी भी मांग ली। माफी मांगते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें इस शब्द के अर्थ को लेकर ज्ञान नहीं था जो उन्होंने कहा, उनसे ये सब कुछ भूल में हुआ है। इतना ही नहीं, उनके पति यानी कि प्रिंस नरुला ने भी माफी मांगी है। हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में युविका चौधरी अपने पति की फोटो खींच रही होती हैं और उस वक्त पति हेयर कटिंग करवा रहे होते हैं। वो मिरर के सामने खड़ी होती हैं जिसमें युविका बोलती हैं उसे एक जाति विशेष के लोगों की तरह नहीं दिखना है। खैर, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग उठनी शुरू हो गई। यानी कि जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल की वजह से उन पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो गया और SC ST एक्ट की धारा के तहत युविका चौधरी पर हरियाणा के जिले यानी कि हांसी में केस दर्ज हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ है। ये शिकायत उन्होंने की थी अनुसूचित जाति अधिकार मंच के कार्यकर्ता और पेशे से वकील यानी कि रजत कलसन, जो इससे पहले तारक मेहता की बबीता यानी कि मुनमुन दत्ता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। बहरहाल दोस्तों, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होने के चलते युविका चौधरी की मुश्किलें कम होती नजर फिलहाल नहीं आ रही। हालांकि आपको क्या लगता है, ऐसे शब्दों को आम बोलचाल में यूज करने मात्र से ही सलाखों के पीछे पहुंचा देना ठीक है? क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर SC ST एक्ट में कड़े कानून में बदलाव लाने की मांग पहले भी उठ चुकी है। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।